समराला पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ने का दावा किया है जो समराला माछीवाड़ा के आसपास के इलाके से दो पहिया वाहन चुराता था। इनमें से एक पर पहले एनडीपीसी एक्ट के मामले दर्ज हैं। इस गिरोह से दो पहिया वाहन खरीदने वाला अब फरार बताया जा रहा है। वही इस संबंध में जानकारी देते हुए खन्ना के SSP ने बताया कि सूचना के आधार पर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपने हुंता DSP मनजीत सिंह है जिन्हों को समराला थाने का भी चार्ज है। तो इन्हों की मतलब कि इनफॉर्मेशन के बेसिस से गैंग जोड़ा है क्रैक किया गया है। चोर गिरोह के दो बंदे गिरफ्तार किए हैं शामगढ़ पिंड समराला पुलिस स्टेशन के। अपने DSP मनजीत सिंह की इनफॉर्मेशन के आधार पर ये दोनों बंदे फड़े गए। तो इन्हों तो टोटल जी है 2 प्लेटिना मोटरसाइकिल और 4 स्कूटरी और 2 जी साइकिल होंगी दूजी वो रिकवर की गई हैं। और इन एक बंद पहले भी NDPS एक्ट का परचा दर्ज होया वै और उस तो अलावा ये जरा मतलब कि पूरा ये गैंग है एक बंदा और भी है जरा अगे इनू चोरी हुई मोटरसाइकिल खरीदता से वह भी पुलिस ने आइडेंटीफाई किए वो भी पुलिस जल्द फड़ लूगी। और उस तो अलावा इन्हों के उत्ते NDPS एक्ट का पहले भी परचा दर्ज है। बाकी फर्दर इन्वैसटीगेशन तो कोई और वारदात सामने आती है तो वो भी पुलिस क्योंकि जी ये बंदे समराले के लोकल है। टिपिकली जिनी मोटरसाइकिल है चोरी हुई है समराला माछीवाड़े के इलाके हुई हैं। बाकी अगे भी कोई और भी मतलब कि फर्दर जी पुछगिछ तो गल सामने आती है वो पुलिस फिर रिकॉर्ड लाऊगी। खन्ना से प्रभजोत भट्टी की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।